नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिग्मा गेमर्स की एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की ये वीडियो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की जो एयरप्लेन की जो फाइट है वो बहुत ही कमाल की है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस समय ये दोनों जो पार्टनर थे, वे दोनों पार्टनर दुश्मन के एरिया में पहुँच चुके हैं। और गाइस, ये यहाँ पर फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं दुश्मन के जो एरिया के जो मैप्स हैं, मीन्स वे अपने एरिया में क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उन सब की फ़ोटोग्राफ्स लेने की वे कोशिश कर रहे हैं। और देखिए गाइस, इन्होंने उल्टा होकर कई सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर ली है, जो गाइस इनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। गाइस, तो ये दोनों मिलकर फ़ोटोग्राफ्स खींच लिया है, अब ये जाकर अपने हेड को वे फ़ोटोग्राफ्स दे देंगे और हेड इनकी सराहना करेंगे। तो गाइस, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। तो गाइस, अब ये जा चुके हैं उन फोटोग्राफ्स को दिखाने के लिए, लेकिन ये एक तरह से श्योर नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि क्या इससे सच में कोई मेडल मिलेगा या उन्हें डांट मिलेगी, क्या होगा, कमांडर क्या करेंगे, या तो अब कमांडर पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका दोस्त इसे अप्रिसिएट करता है, बोलता है तुम जा सकते हो, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए और हो सकता है तुम्हें लड़ाई में जाने का मौका मिले और हम बड़ी लड़ाई में जा सकें। तो गाइस, ये उसे भरोसा दिलाता है और गाइस इसके दोस्त को हिम्मत आ जाती है और फाइनली यह डिसाइड करता है कि अब यह जाएगा उन फोटोग्राफ्स को अपने कमांडर को दिखाएगा। और गाइस, अब ये जा रहा उन फोटोग्राफ को कमांडर को दिखाने, लेकिन यह काफ़ी नर्वस है। इसके दोस्त ने इसे बहुत ज़्यादा सराहना दी और तब गाइस क्या होता है, अब आप देखिए। तो उसने फोटोग्राफ्स कमांडर को दिखा दिया है और कमांडर सच में गाइस अब उन्हें कमांडर भेज चुके हैं लड़ाई में और अब ये दोनों लड़ाई में आ चुके हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यह मैच पूरा का पूरा लड़ाई वाला ही मैच होने वाला है। और गाइस, अब इन्हें यहीं पर फाइट करना है और तबाह करना। आप देख सकते हैं जितने भी रेड कलर के जो प्लेन है वे सभी दुश्मन प्लेन है और ये सभी बॉम्ब हवा में उड़ रहे हैं, जो गाइस आप देख सकते हैं जो बैलून की तरह है एकदम आसमान में रुके हुए हैं, वे सभी बॉम्ब हैं। और अब हमें क्या करना है कि उसे तबाह करना है दुश्मन के एरिया को, लेकिन तबाह करने से पहले इन बॉम्ब्स और फाइटर प्लेन से भी निपटना होगा। तो चलिए गाइस, अब हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है और गेम स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें जो दुश्मन के जो ट्रक्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। आप देख सकते हैं गाइस, तो मैं मिसाइल से उन्हें डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो गाइस, आप ऊपर देख सकते हैं कुछ कुछ प्लेन्स भी हैं गाइस, तो इन्हें भी मारते जाना है गाइस। बहुत ही मुश्किल मिशन होने वाला है यार, और साथ में इन्हें भी ब्लास्ट करना। आप देख सकते हैं गाइस, अगर आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देख रहे होंगे तो आपको दिख रही होंगे दो ट्रक्स हैं जिन्हें मुझे ब्लास्ट करना है। तो गाइस, मैं चूक गया, अब मुझ पर भी फायरिंग हो रही है और मेरा प्लेन बोल रहा है मुझे रिपेयर करो। तो गाइस, मैं रिपेयर कर लेता हूँ। गाइस, प्लेन बहुत जल्दी रिपेयर होता है और मुझ पर बहुत 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 फायरिंग हो रही है यार। जल्दी 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 से यार भागो, मैं अब रिपेयर कर रहा हूँ। गाइस, अब मुड़कर अब मैं उन्हें ब्लास्ट करूँगा। गाइस, एक बार अगर छूट जाता है तो दोबारा आने में बहुत मुश्किल होता है। अब गाइस, मैंने निशाना साध लिया है और अब मैं इन दोनों ट्रक्स को मैं उड़ा चुका हूँ। अभी भी गाइस बहुत सारे ट्रक्स बाकी हैं, लेकिन यार मेरी मिसाइल लोड हो रही है। लोड होने में मिसाइल बहुत टाइम लगाती है, तब तक मैं हवा में आज चला जाता हूँ। अब मैं निशाना साध लेता हूँ, इस बार तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो यार, दोनों का खेल ख़त्म हो चुका है, दोनों ट्रक्स का मैं रिपेयर भी कर लेता हूँ। गाइस, चलो 96% हो गया, 100% रिपेयर हो गया। गाइस, रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मुझ पर गोलियां लग रही है इस बार। गाइस, ये रहे दोनों ट्रक्स, इन्हें मैं ब्लास्ट करता हूँ। तो गाइस, हमें जल्द से जल्द अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। और गाइस, यहाँ पे एक ट्रक शायद रह गया, पता नहीं, शायद ब्लास्ट हो गया शायद वो भी। गाइस, मिसाइल को रीलोड करना, रीलोड होने में जो टाइम लग जाता है ना, तो गाइस उसी में बस छूट जाता है। या क्या यार, फायरिंग हो रहा है तो मैं रिपेयर भी करते रहता हूँ, फायरिंग हो रहा तो होने दो। अब मैं गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, लगातार गोलियाँ छोड़ी जा रही है मुझ पर। अब मैं टर्न लेता हूँ और फिर से इस ट्रक को मैं उड़ाने की कोशिश करता हूँ। यार बस इस बार तो ये नहीं बचेंगे यार। चलो गाइस, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और अब हमें नया ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो गाइस, अब हमारा नया ऑब्जेक्टिव क्या है यह तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सब के सब प्लेन, अब गाइस बॉम्बर जो हैं हवा में उड़ रहे हैं, देख सकते हैं गाइस, ढेर सारे बॉम्बर्स आपको हवा में दिख रहे होंगे गाइस। अब गाइस, ये जो हमारे बॉम्बर्स प्लेन है, अब इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा। गाइस, ये देखिए, ये जो रेड कलर के जो एनिमी के प्लेन हैं,
ये सभी हमारे बॉमर प्लेन्स को मार रहे हैं, क्योंकि गाइस हमारा जो बॉमर प्लेन है यही जाएगा और उनके एरिया में ब्लास्ट करेगा, उनके मीन्स जो एरिया को गिरा देगा, मतलब ख़त्म कर देगा पूरी तरह से। और गाइस इन जो दुश्मन है वो इन प्लेन्स को जाने नहीं देना चाहती है, वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इन सभी प्लेन्स को मार गिराएंगे। और ये जितने ब्लू ब्लू कलर वाले जो दिख रहे हैं ऊपर बॉमर प्लेन, वो हमारे प्लेन है और उन्हें हम सही जगह पर पहुँचाएँगे ताकि वह फायरिंग और बॉम्ब गिरा सकें। तो गाइस ये रेड वाले प्लेन बहुत सारे हैं और ये हमारे एनिमी प्लेन्स को, हमारे मीन साथी प्लेन को मारे जा रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं इन्हें ब्लास्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, निशाना सही लगा के मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस अब देखिए गाइस हमारे बॉमर प्लेन्स पहुँच चुके हैं अपने जगह पे जहाँ उन्हें मिसाइल गिरानी है। गाइस ये सभी बहुत तंग कर रहे हैं यार। तो चलो यार यहाँ पे अब इन्हें देखिए गाइस, इन्होंने बॉम्ब गिरा दिया है हमारे प्लेन्स ने जहाँ बॉम्ब गिराना था, लेकिन अभी भी आसमान में कुछ फाइटर प्लेन्स घूम रहे हैं। अब गाइस हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है इंगेज एनिमी फाइटर, मीन्स अब हमें जो एनिमी जो फाइटर्स प्लेन है गाइस अब हमें इनसे लड़ना है। तो चलो यार अब हमारा यही है नया ऑब्जेक्टिव, तो हम हवा में चल जाते हैं। गाइस जितना ऊपर से इन्हें फायरिंग करने में ऊपर से थोड़ा सा आसान होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टैंक शायद या गाड़ी जो भी कह सकते हैं अभी तक बचे हुए हैं, तो मैं इन्हें ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दूर से फायरिंग कर रहा हूँ, वो तेरी मुझ पर भी फायरिंग हो रही है। अब बस एक बचा हुआ है, इसे मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। चलो यार ये अभी ब्लास्ट हो गया। गाइस ज़मीन से टकराना नहीं है, मैं कई बार ज़मीन से टकरा चुका हूँ गाइस, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मैं खेल रहा हूँ। चलो यार ज़मीन से टकराना तो नहीं हुआ यार, तो चलो टर्न लो यार। गाइस मुझ पर फायरिंग भी हो रही है लेकिन मेरी अभी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, 97 है, रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और यह देखिए यहाँ पर एक कुछ ट्रक्स हैं, तो गाइस अब हम इन्हें भी ब्लास्ट कर देते हैं। अभी भी गाइस कुछ लोग हैं, मैं रिपेयर कर लेता हूँ, हालांकि रिपेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गाइस एनिमी फाइटर प्लेन्स है, अब गाइस हमें इन्हें मारना है। अब देख सकते हैं गाइस इन्हें मारना बहुत मुश्किल है, मैं मिसाइल से नहीं मारूंगा, गोलियों से मारूंगा, क्योंकि मिसाइल के पहुँचने में टाइम लगता है और जब तक मिसाइल पहुँचेगा तब तक प्लेन वहाँ पर रहेगा ही नहीं, वो कहीं और चला जाएगा, इसलिए गोलियों से मारना काफ़ी सही होता है। तो मैं एम लगाकर गोलियाँ ही फायरिंग करता हूँ। यार गोलियाँ भी पहुँचने में टाइम लगा, लेकिन वह प्लेन क्रैश हो चुका है। एक और प्लेन है, यह रहा, अरे 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 ये भी बच गया यार, बार बार ये बच जा रहा। एक निशाना से सही से लग जा यार निशाना, तब मैं इसे बताऊंगा यार। अब मैं थोड़ा हवा में चला जाता हूँ ताकि मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, काफ़ी मैं नीचे उड़ रहा हूँ। चलो यार ये मिला, अब ये नहीं बचेगा। ओह फिर से बच गया यार, ये कितनी बार बचेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। टर्न लो टर्न, सब मेरे पीछे हैं। अब गाइस आप देख सकते हैं इतने सारे एनिमी, फिर से हमें अपने बॉमर्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि गाइस अब हमारे बॉमर्स एक और बार वहाँ पे बम गिराने वाले हैं जहाँ पे वे गिरा चुके हैं। तो गाइस इस बार ये प्लेन फिर से मार रहे हैं हमारे प्लेन्स को, साथी प्लेन्स को, हमें इन्हें बचाना है ताकि ये जाकर वहाँ बॉम्ब गिरा सकें। लेकिन ये जितने रेड कलर के जो प्लेन्स है ये कोशिश कर रहे हैं कि वे सारे प्लेन्स वहाँ पर ना पहुँच, लेकिन गाइस हम भी किसी से कम नहीं है, हम इन रेड प्लेन्स को मार गिराएंगे। और आप देख सकते हैं यार इधर भी दो है, ये प्लेन्स तो फायरिंग पे फायरिंग किए जा रहे हैं यार। बस बस बहुत करीब आ चुका हूँ यार गाइस, इन प्लेन से टकराना भी नहीं है। आप देख सकते हैं गाइस मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है यार, रिपेयर कर लेना चाहिए मुझे, लेकिन रिपेयर की तो टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि ये प्लेन लगातार फायरिंग कर रहे हैं हमारे साथी प्लेन्स पर। गाइस रिपेयर करना पड़ेगा यार, रिपेयर हो जाओ। गाइस हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, बस एक बार ये बस रिपेयर हो जाए यार। ओ तेरी, इन्होंने हमारे कई प्लेन्स को गिरा दिया है, अब ये नहीं बचेगा। गाइस आग लग चुका है फिर भी ये उड़ रहा है, आई थिंक वो खत्म हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहीं पर बॉम्ब गिराना है, फिलहाल बॉम्ब गिराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है प्रोटेक्ट करना बॉम्बर्स को, वह बॉम्ब गिराएंगे। पता नहीं यार लग रहा सभी पहुँच गए क्या यार, मैं बॉम्ब गिराने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। गाइस अब हमें इन्हें ख़त्म करना है यार, ये प्लेन बहुत सारे हैं, इन्हें मारना बहुत मुश्किल है। मिसाइल मारना तो इनके ऊपर बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि मिसाइल से इन्हें कुछ होने वाला है नहीं लगभग, जहाँ तक मेरा मानना है। गाइस नीचे देख सकते हैं कुछ ट्रक्स हैं, तो मैं इन्हें मिसाइल से ज़रूर मारूंगा। गाइस ये ट्रक्स गोलियां से तो जल्दी मरेंगे नहीं,
और मिसाइल से ही ठीक से मरें, क्योंकि ये एक जगह रुके हुए हैं। मेन है ये, जो चीज़ रुकी हुई रहती है उस पर मिसाइल से बहुत अच्छा अटैक होता है। आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि इस प्लेन को मारना थोड़ा, मतलब गोलियों से मारना आसान है, मिसाइल से मारना आसान नहीं। और देखिए गाइस, इन ट्रक्स को पहले हम ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मेन इन ट्रक्स और प्लेन्स को मारना है। तो पहले मैं ट्रक्स को ही मारता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं, प्लेन से भी ज़्यादा ये तबाही मचा देते हैं, इसलिए पहले इन ट्रक्स को ही मैं फायर करूँ। ये क्या मुझ पर लगातार फायरिंग हो रही है यार। मेरा दोस्त जो पीछे बैठा हुआ है वह अभी फायरिंग कर रहा है, तो गाइस मैं आगे जाकर टर्न लूँगा, एक बड़ा सा टर्न। अब मैं पीछे आके अब मैं उन्हें मारूँगा गाइस। अब नीचे के सभी तो ख़त्म हो चुके हैं, बस अब प्लेन ही बचे हुए हैं। गाइस ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, इतनी दूर तो गोलियाँ नहीं पहुँच पा रही है सही से यार। या देखिए ये कह रहा लेकिन यह तो बच गया यार। प्लेन उड़ाने में सिर्फ और सिर्फ माउस का ही खेल है, बस माउस से ही कंट्रोल करना है। गाइस चलिए, यार बहुत सारे प्लेन्स मारे जा चुके हैं और कुछ प्लेन्स बचे हुए हैं, और यह रहा हुआ एरिया जहां ब्लास्ट करना है। तो मैं यहां पर मिसाइल छोड़ रहा हूं, हो सके कुछ ब्लास्ट हो जाए। आप ऊपर पावर देख सकते हैं गाइस, उनके जो रेड कलर का जो दिख रहा है साइन, ये उनका पावर है। और गाइस मेरे मारने से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि मैं वो बॉमर नहीं हूँ, बॉमर प्लेन ही फायर करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो चलो यार, यह रहे कुछ प्लेन्स, अब ये कुछ प्लेन्स बचे हुए हैं, अब इन्हें मैं फायर करके ख़त्म कर दूंगा। देख सकते गाइस, लेकिन ये बहुत बहुत दूर है यार, इन तक गोलियाँ नहीं पहुँच सकती है। चलो यार ये ख़त्म हो गया, ये बचा हुआ है, इस तक गोलियाँ पहुँच ही नहीं रही है ढंग से यार। यह तो हमारे प्लेन्स को गिरा रहा है, थोड़ा सामने जाना होगा। ओ नहीं 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 यार, गाइस कभी कभी माउस टर्न ही नहीं होता है यार पीछे, मतलब राइट लेफ्ट तो हो जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन जो माउस का जो होता है, जो मीन्स जिस साइड घुमाना चाहेंगे उस साइड तो होता ही नहीं है यार, नीचे करना बहुत मुश्किल हो जाता। चलो यार, और बस कुछ ही प्लेन्स बचे हुए हैं, बस मैं इन्हें ख़त्म कर लेता हूँ। यह प्लेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है गाइस, उनके ऊपर जो रेड कलर का जो मार्क आ रहा है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो समझिए प्लेन भी ख़त्म हो गया। ये देखिए एक नीचे से फायरिंग कर रहा है यार, बस बस बस। अरे नहीं 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 गाइस, मैं रिपेयर, गाइस मेरी पावर बहुत कम हो चुकी है यार, बहुत कम। अब मैं पहले रिपेयर करूँगा फुल यार, इन्हें ख़त्म करके अब मुझे रिपेयर कर लेना चाहिए, पहले मुझे फुल रिपेयर होना है, तब मैं इनके छक्के छुड़ाऊँगा यार। चलो काम भर हो चुका हूँ, चलो मारो मारो मारो। ये प्लेन काफ़ी दूर है यार, और ये लगातार चल रही, जिस कारण गोलियाँ सही निशाने पर नहीं लग पा रही, और मैं रिपेयर भी नहीं हो पा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि इन्हें मारना है यार। बस बस बस, फायरिंग हो जा बस, इनसे टकराना भी नहीं है, टकरा गया तो कहानी ख़त्म मेरी। तो बहुत ही संभल के चलना है यार, इन्होंने हमारे प्लेन्स को उड़ा दिया है यार बहुत सारे, मुझे रिपेयर होना पड़ रहा है, बस यही मुझे दिक्कत हो रही है यार, ठीक से रिपेयर भी ये प्लेन नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं गाइस, लगातार फायरिंग हो रही है, अब मैं कैसे खुद को बचाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा यार। चलो यार चलो, एक दिखा, काम भर रिपेयर भी हो चुका हूँ, बस 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 बस, इधर। चलो यार, हमारे प्लेन्स पहुँच चुके हैं बॉम्ब गिराने के लिए, और वे सभी अब बॉम्ब गिरा चुके हैं इनके एरिया में, और फाइनली गाइस इनका एरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।